ने कहा सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है, अब क्या किया जा रहा है आप लोग की जानिब से? देखिए इस वक्त हल्की हल्की स्नो भी है यहाँ पर और काफी मौसम सर्द है और ये रेस्क्यू 1122 की टीम्स और पाक आर्मी की टीम्स जो है वो ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही हैं। जो बॉडीज जो जो गाड़ियां वहां पे फंसी हुई हैं बर्फ में उनको उनको एवैक्यूएट किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो उन गाड़ियों में लोग मौजूद हैं, जो फैमिलीज हैं, जो खवातीन हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम सेफली एवैक्यूएट करें और उनको ऐसी जगह पे ले जाएं जहां पर जो है उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जा सके। तो ऑपरेशन ये चल रहा है और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ये अगले 3-4 घंटे ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, इसके क्या आदाद शुमार है? इस वक्त मैं कुछ एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे सकता, तकरीबन 200 के करीब लोग जो हैं जिनको जो है वो आर्मी ने और रेस्क्यू 1122 की टीम ने, जो कि मरी की जो टीमें हैं इसके अलावा रावलपिंडी और अटक जेलम की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो एवैक्यूएशन कर रही हैं।